हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मेरा नाम है निश मोहन। कुछ दिनों से हमें यूपी के अंदर एस्पिरेंट्स का एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जिस इशू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है यानी कि नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन होती क्या है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या क्या चैलेंजेस एस्पिरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं वो देखेंगे, और ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर नॉर्मलाइजेशन ने पास्ट में किस तरह से काम किया है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे के पूरे मुद्दे का एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या निकल के आ सकता है। ठीक है, देखिए, यूपी पीएससी ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि वो अपने कुछ एग्जाम जैसे कि आरओ एआरओ पीसीएस एग्जाम, इनको मल्टीपल डेज और मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कंडक्ट करेगा। जब भी किसी एग्जाम को मल्टीपल शिफ्ट में कवर किया जाता है तो चांसेस होते हैं कि किसी एक शिफ्ट के अंदर पेपर थोड़ा सा आसान बन जाए, आसान पेपर आ जाए, तो उस शिफ्ट के लोगों के मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। हो सकता है दूसरी शिफ्ट में पेपर थोड़ा मुश्किल बन के आ जाए तो उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल चेंज होने की वजह से जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका स्कोर भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक मैथमेटिकल टूल या फिर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले को यूज किया जाता है जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के अंदर कोशिश की जाती है कि जो एस्पिरेंट्स आसान शिफ्ट में थे उनका मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए थे, तो आसान शिफ्ट वाले लोगों के मार्क्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर दिए जाए, और जो लोग डिफिकल्ट शिफ्ट में थे उनके मार्क्स को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए। तो इससे जो एग्जाम के अंदर जो अलग अलग शिफ्ट के अंदर जो डिफिकल्टी लेवल बदल के आया था उससे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो डिफरेंस बैलेंस आउट हो जाता है। अब सुनने में ये बहुत ही लॉजिकल तरीका लग रहा है, बहुत ही फेयर तरीका लग रहा है, पर कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले आप इंडिया के अंदर नॉर्मलाइजेशन ने किस तरह से काम किया उसका एक एग्जाम्पल देखिए। मैं आपको रियल स्कोर दिखा रहा हूँ एसएससी के अंदर नॉर्मलाइजेशन पहले से है। तो ये एसएससी का आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसके अंदर एक स्टूडेंट मैथ्स के अंदर 153 मार्क्स लेके आता है, 153 यानी कि 75% पेपर उसने सही किया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर रिड्यूस होकर केवल 8 नंबर रह जाता है, 4%। ये बात हजम ही नहीं होती कि जो एस्पिरेंट 75% पेपर करके आया है उसको क्या केवल 4% मैथ्स आती है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल देखिए, 141 इसके मैथ्स में नंबर आए थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद -51 नेगेटिव के अंदर चले गए, यानी कि इसको तो मैथ की बिल्कुल नेगेटिव नॉलेज थी तो इसने 70% पेपर कैसे किया था। तो नॉर्मलाइजेशन का जो एप्लीकेशन या फिर पास्ट एक्सपीरियंस हमारा रहा है वो एस्पिरेंट्स के मन में एक डर इंड्यूस कर देता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कहीं उनकी किस्मत खराब ना निकल आए। ठीक है, हो सकता है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी ये स्ट्रेटेजी ही रही हो कि मैं इंग्लिश में 200 में से 191 नंबर ले आऊंगा, मैथ्स के अंदर मैं केवल 70% करके आऊंगा और उसी से मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। हो सकता है डिफिकल्ट पेपर भी आता तो भी ये 141 नंबर ले आता, ये तो इसकी किस्मत खराब थी कि इसको आसान शिफ्ट मिल गई। तो ये एक डर है जो एस्पिरेंट्स के मन में है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से एक एक्सटर्नल फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। मेरिटोक्रेसी का मतलब है कि आपका सिलेक्शन, आपकी मेरिट आपके हार्डवर्क पे डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक एक्सटर्नल फैक्टर है। आपको आसान शिफ्ट मिलेगी या डिफिकल्ट शिफ्ट मिलेगी ये आप नहीं चुन सकते, तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपका सिलेक्शन हैम्पर हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा मुद्दा ही इससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और एक स्टूडेंट है वो उतना हार्ड वर्किंग नहीं है, बहुत ही कैजुअली किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो हो गया स्टूडेंट बी। ठीक है, स्टूडेंट ए अपने सिलेबस का 80% सिलेबस इसने बहुत अच्छे से कवर किया है, चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए वो इस 80% सिलेबस को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, अच्छा स्कोर लेके आ सकता है ये। ठीक है, वहीं पे ये जो कैजुअली तैयारी कर रहा है इसने केवल 30% सिलेबस कवर किया है, केवल 30% सिलेबस। ठीक है, ये सिर्फ इस 30% सिलेबस के ही क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए किस्मत से ए को मिल गई आसान शिफ्ट, आसान शिफ्ट मिली, 80% सिलेबस उसने कवर कर रखा था, वो 70% स्कोर लेके आ गया। अगर डिफिकल्ट शिफ्ट भी आती तो भी शायद इसका इतना ही स्कोर आता क्योंकि तैयारी अच्छे से की है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, लेकिन आसान शिफ्ट में 70% स्कोर आया। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसका स्कोर रिड्यूस हो जाएगा, मान लेते हैं वो 50% रह गया। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, ये स्टूडेंट कैजुअली तैयारी कर रहा था, ज़्यादा हार्ड वर्कर नहीं था, 30% सिलेबस इसने अच्छे से किया था, मान लेते हैं इसका पेपर डिफिकल्ट शिफ्ट में आया और 30% में से इसने 30% कर लिए। ठीक है, पेपर का 30% मार्क्स वो लेके आ गया,
लेकिन डिफिकल्ट शिफ्ट होने की वजह से इसका मार्क्स और इसके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, मान लेते हैं 50% हो गए। क्या ये चीज़ आपको फेयर लग रही है? एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो 80% सिलेबस करके गए हैं अपना कवर, वो 50% लेके आ रहा है, और हो सकता है कि कोई कैजुअल स्टूडेंट था, तुक्के में मार्क्स ले आया 30, लेकिन हार्ड शिफ्ट होने की वजह से उसके मार्क्स इंक्रीज हो गए। 30% मार्क्स तो आंख बंद करके मारा या लग गया तुक्का, उसकी किस्मत अच्छी थी। तो यहाँ पे ये जो भाग्य का खेल है नॉर्मलाइजेशन से, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बात ये है कि क्या नॉर्मलाइजेशन हमारा दुश्मन है? जो एस्पिरेंट्स आज की डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं सिंगल शिफ्ट में पेपर हो जाए और किसी तरह की नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको कमीशन का व्यू पॉइंट भी समझना पड़ेगा। कमीशन को मल्टीपल शिफ्ट में इसलिए पेपर कराने पड़ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इस पेपर के लिए फॉर्म को फिल किया है। अगर वो एक ही शिफ्ट के अंदर सारे के सारे एस्पिरेंट्स का पेपर कराते हैं तो हो सकता है कि सेंटर्स के ऊपर ओवरक्राउडिंग हो जाए, भीड़ को मैनेज ही ना कर पाए आसानी से। हो सकता है कि चीटिंग के केसेस इंक्रीज हो जाए क्योंकि इतने सारे एस्पिरेंट्स एक ही सेंटर पर बैठे हैं, हो सकता है वहाँ पर चीटिंग हो जाए। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ सेंटर्स को इंक्रीज किया जाता है जहाँ पे पेपर हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेंटर्स में हो सकता है कि खराब क्वालिटी के जगहों पे भी पेपर कंडक्ट करा लिए जाए, वहाँ पे फैसिलिटीज ही अवेलेबल ना हो। तो जो कमीशन का व्यू पॉइंट है वो ये है, जो कि एक वैलिड व्यू पॉइंट है। पहली कोशिश तो कमीशन को यही करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके सिंगल शिफ्ट में पेपर हो जाए, लेकिन अगर सिंगल शिफ्ट में पेपर कराने से दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पेपर लीक्स यूपी में होते ही रहते हैं, पेपर लीक्स हो गए, चीटिंग हो गए, ओवरक्राउडिंग हो गई, इस तरह की चीज़ों को अगर निपटना है और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराने हैं, तो हमें अपने असली दुश्मन को पहचानना होगा। असली दुश्मन नॉर्मलाइजेशन नहीं है। ठीक है, असली दुश्मन क्या है? असली दुश्मन ये है कि जो अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर आ रहा है, उन पेपर का स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक शिफ्ट में जो पेपर आएगा उसका डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम होगा, सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर थोड़ा बहुत 10-12% की अगर वेरिएशन आ रही है डिफिकल्टी लेवल में, तो वो चीज़ समझ में आती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को जो डिमांड करनी चाहिए, उनकी डिमांड होनी चाहिए या तो सिंगल शिफ्ट में सारे के सारे पेपर हो, अगर सिंगल शिफ्ट में नहीं हो सकता तो कमीशन को अकाउंटेबल बनाया जाए कि हर एक शिफ्ट के अंदर जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। 10-12% की वेरिएशन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर वेरिएशन हुई तो यहाँ पे कमीशन फेल हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अब ये जो वेरिएशन है, इसके लिए कमीशन को अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब वो अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे हम? अकाउंटेबल बनाने का तरीका ये है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर स्टूडेंट्स का स्कोर 10-12% से ऊपर नीचे होता है तो ये बात एकदम जायज़ लगती है, लेकिन अगर स्कोर के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब ये था कि कमीशन ने ऐसा पेपर सेट किया जिसमें एक सेंटर पे बहुत ही आसान पेपर आ गया और दूसरे सेंटर पे बहुत ही मुश्किल पेपर आ गया, दूसरे शिफ्ट में मुश्किल पेपर आ गया। तो यहाँ पे कमीशन ने यूनिफॉर्मिटी नहीं बनाई। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर किसी भी तरह से ये पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन किसी एक थ्रेशोल्ड को ब्रीच करती है, जैसे मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में स्कोर में जो बदलाव आया है वो 10-12% से भी ज़्यादा का था, तो इस केस में कमीशन के टॉप ऑफिसर्स को पिनलाइज करने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उनके ऊपर भी ये डंडा रहे कि वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के पेपर को सेट करें। तो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो एक तरह से जायज़ है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नॉर्मलाइजेशन के केस में थोड़ा सा ख़राब रहा है इंडिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज़ है, स्पेशली तब जब आपने नोटिफिकेशन के टाइम पर ये चीज़ नहीं बताई थी। दूसरा, स्टूडेंट्स को कमीशन का व्यू पॉइंट भी समझना चाहिए और एक मिडल ग्राउंड ढूंढना चाहिए। मिडल ग्राउंड क्या हो सकता है? मिडल ग्राउंड यही हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन एक थ्रेशोल्ड के अंदर हो, अगर वो थ्रेशोल्ड ब्रीच होता है तो कमीशन के टॉप ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, उन्हें पिनलाइज किया जाए। ये मेरा व्यू पॉइंट था, ये मेरा सॉल्यूशन था। हो सकता है कि मेरी किसी बात से आप एग्री ना करते हो, तो अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो एक सेंस बनाती है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा